अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मॉम्स लोग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है दिन का टाइम है और मैं इब्राहिम को ज़रा बाहर लेकर गई थी। और ये देखें बाहर आ चुका है और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और कितना सब्ज़ा, और इतना ना दिल को सुकून और आँखों को ठंडक महसूस हो रही है। काफ़ी अच्छा फील होता है। तो ये कि कहते हैं तो ये हैं कि बाहर जो है खिलते मौसम होते हैं, और बट ये जो है ये मौसम ऐसा होता है ना कि ये काफ़ी इनकी दोपहर और ये काफ़ी उदास उदास लम्हात ऐसे होते हैं जैसे काफ़ी दिल उदास हो। कहने को तो ये बहार होती है, खिले खिले दरख्त और हर चीज़ खिली खिली, बट ये काफ़ी उदास मौसम होता है। और दिन के टाइम काफ़ी ना फीलिंग्स ऐसी होती हैं जैसे काफ़ी सैड हो और तन्हाई, और तन्हाई तो नहीं मैं कहूँगी तो उदासी टाइप लगती है, और काफ़ी ना अजीब सी फीलिंग होती है। और तो बस फिर इसीलिए थोड़ा बाहर यह कि आउट ऑफ कंट्री हों तो फिर तो ज़्यादा फील होता है, तो फिर इसलिए मैं कभी कभी बाहर ले जाती हूँ। और ये बच्चों का है किंडरगार्टन, तो बिल्कुल घर के पास ही है ये हमारे, तो ये बच्चे प्ले कर रहे हैं। तो मैं भी इब्राहिम को ले आई हूँ तो वो भी बच्चों को देख के, तो बस फिर थोड़ा सा ना खेलता है, ये किंडरगार्टन है तो बच्चे देखेंगे प्ले कर रहे हैं। इनका टाइम होता है, ये इनकी टाइम बच्चों की होती है सुबह मॉर्निंग से 8 AM टू 5 PM तक होती है, मींस के सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बच्चों की टाइमिंग होती है। और इसमें ये नहीं कि बच्चों को बस एक तरह से बिठा के रखना और बस प्रेशर पढ़ाई का नहीं, ये बच्चों को प्ले करवाते हैं, सुलाते हैं और लंच करवाते हैं। 4 इनके मील्स होते हैं, ये तकरीबन घंटे घंटे के बाद बच्चे को खाना वगैरह देते हैं और कार्टून्स वगैरह, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की। और बच्चा भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे ना लर्न करता है, बच्चों के साथ घुलना मिलना, और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं फिर कभी कभी ले आती हूँ और बच्चों को देख के तो फिर बच्चा ज़ाहिर सी बात है फिर खुश भी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ सा एरिया है और यहाँ पे आराम से इतनी इतनी प्यारी खूबसूरत सी जगह है, साथ वाली हमारी कम्युनिटी है ये। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे, अभी तो यहाँ पे इतना दिन का टाइम है तो इतना इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है, वरना ये रात के टाइम या शाम के टाइम इतने रौनक होती है और काफ़ी बच्चे। और यहाँ पे ये नहीं होता कि बस माँ बाप बाहर बच्चों को लेके जाते हैं, यहाँ पे नानियाँ दादियाँ वगैरह और इस तरह ना नाना दादा वगैरह बच्चों को लेके बाहर जाते हैं और खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वर्किंग लेडीज़ होती हैं और वर्क करती हैं, और इसी तरह पेरेंट्स भी होते हैं, और बस वो फिर अपने बच्चों को पोते पोतियाँ इस तरह नवासे नवासियों को बाहर लेके जाते हैं और उनको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे रिवाज तो बाहर ही का है, क्योंकि घर में कोई ऐसा कोई प्ले के लिए कोई जगह या वो तो कुछ होता नहीं है सेम जैसे हमारे होता है, तो फिर ज़रा थोड़ा सा बच्चे को चिल करवाने के लिए बाहर लेके जाना पड़ता है। तो घर में तो आपको पता है यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा घर में ही रह के, और कोई एक्टिविटी नहीं है बस बैठना। तो अब ये शाम थी, शाम हो गई थी तो बस फिर हमने कहा चलें होटल चलते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। तो अब मैं पहुँच गई हूँ और ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है, तो मैंने कई दफ़ा यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हूँ मैं, तो मैंने क्योंकि कुछ आपको डिशेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मुझे भी ये काफ़ी अच्छी लगती थी और ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले की हुई है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये बटरफ्लाई और ऊपर बादल और प्रॉपर उन्होंने ना बड़ा अच्छा सा ये डेकोरेट किया हुआ था। तो चलें आ जाएं आप भी मिलके एंजॉय करते हैं डिनर। और वो मैंने एज़ यूजुअल अपनी जो मैं मंगवाती हूँ, मैं तो ज़्यादा आपको पता, आप तो आप शायद के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या खाती हूँ, तो
ये अब हमारा खाना आ गया है, बिग प्लेट चिकन। और ये दो थी क्योंकि फैमिलीज थी, हम दो फैमिलीज थी पाकिस्तानी, तो ये दो बंदों के लिए एक प्लेट होती है, तो ये बड़े मज़ेदार होती है। तो अब हम जो है ये इंजॉय करेंगे। इसके बाद अब हम आए हुए थे तो मैकडोनल्ड्स आइसक्रीम कैसे हो ना हो के हम ना इसको इंजॉय करें, तो बस फिर हमने ये आइसक्रीम ली थी और इसको हमने इंजॉय किया था कोन। तो ये बिल्कुल साथ ही है इसके, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया तो सोचा चलें हम आइसक्रीम भी खा लेते हैं, जबकि गले तो सबके ख़राब थे मगर फिर भी अच्छा लगता है। और बस अब हम इंजॉय करेंगे, और अब आइसक्रीम्स भी देखें ये आ चुकी हैं। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।